आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अत्याधुनिक पुलिस लाइन में बड़ा खाना का हुआ आयोजन, जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद। मामला सुपौल जिला सदर स्थित भव्य अत्याधुनिक पुलिस लाइन की है। सुपौल जिले की पुलिस के लिए देर रात खुशी का माहौल रहा। दरअसल सुपौल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए भव्य पुलिस लाइन में बड़ा खाना के अवसर पर जिले के तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि यह क्षण सुपौल पुलिस के लिए बेहद ही खुशियों से भरा है, क्योंकि उन्हें एक भव्य पुलिस लाइन मिला है जो सारी सुविधाओं से लैस है। बताया कि पूरे वर्ष पुलिस ने जिले में विधि व्यवस्था का संधारण किया है। आपदा से लेकर चुनाव और तमाम तरह के कार्यों में पुलिस की बड़ी भूमिका रही है। बड़े बड़े घटनाओं का समय पर उद्भेदन किया गया, जिसमें पुलिस ने बड़ा मेहनत किया। इसी सब के उपलक्ष्य में देर संध्या बड़ा खाना का आयोजन किया गया, जिसमें सह भोज भी किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में डीआईजी साहब भी शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल तीनों जिले के एसपी साहब और डीएम साहब भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा सुपौल जिले के तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस बल सहित अन्य संबंधित गणमान्य व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठाया। सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। एसडीपीओ रहेंगे। इस शुभारंभ का तालियों से स्वागत करने के लिए पहले तो देखिए कि बिहार में शायद ही ऐसा पुलिस लाइन होगा जो जिसका इतना बढ़िया एम्बियंस हो। बिल्डिंग तो अच्छा बनाई हुआ है, गेट से जब इंटर कीजिएगा तो चोरी सबके मिलेगी, और जो भी पुलिस के लिए व्यवस्था होना चाहिए जैसे कोट क्वार्टर सारा चीज़ है, कमांडेंट को भी रहने के लिए है, और इसमें वर्तमान जो इसलिए जो डी आई जी बन गए हैं उन्होंने पेड़ वगैरह भी लगाए हैं, डीएम साहब भी बहुत कुछ सपोर्ट किए हैं, और चलने दीजिए बहुत सुंदर होगा। बाकी दूसरे जिला के लिए मॉडल जो है अंतर जिला डकैत गिरोह थे जिसका उद्भेदन कर इसमें एक था कि एफआईआर में जो है केवल 5 किलोग्राम चांदी का बात किया गया था, जिसमें कि रिकवरी जो है हमारी टीम के द्वारा लगभग 27 किलोग्राम चांदी का किया गया था। आगे बढ़ें, ये उस समय का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। आज बड़ा खाना का आयोजन किया गया है नए पुलिस लाइन में। पहले तो एसपी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छे से इसका आयोजन किया है, और ये पुलिस लाइन राज्य सरकार के मुझे लगता है एक मॉडल पुलिस लाइन की तरह यहाँ पे उभर कर सामने आया है। आज इसी क्रम में पंचायत चुनाव में जिन पदाधिकारियों और कर्मियों ने काफ़ी अच्छा काम किया उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। मुझे लगता है कि नए पुलिस केंद्र के आने से यहाँ के जो पुलिस कर्मी उनका मनोबल बढ़ेगा, और विधि व्यवस्था संधारण में, क्राइम कंट्रोल में और भी सुपौल जिला की अच्छी की बात है। यहाँ नया पुलिस लाइन बनाया, उसमें सभी पुलिस कर्मी प्रवेश कर गए हैं, और इसी पुलिस लाइन से हम लोगों ने चुनाव का संचालन किया है। पूरे वर्ष पुलिस कर्मियों ने, पुलिस पदाधिकारियों ने व्यवस्था का संचालन किया है, क्राइम का प्रिवेंशन और डिटेंशन किया है, काफ़ी मेहनत से काम किया है, कोरोना काल में बहुत मेहनत किया है। इसी को लेकर के इसी उपलक्ष्य में बड़ा खाना का आयोजन किया गया है, जिसमें हर एक पुलिसकर्मी पदाधिकारी आज साथ मिलकर के सहभोज करेंगे।
इसी का आयोजन किया गया है और हमारे यहाँ अतिथि हैं, अतिथि आदरणीय DIG जिनका की प्रोमोशनाइजिंग हो गया, हमारे अगल बगल के तीनों जिले के DM और SP यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं सभी जितने भी हमारे अतिथि हैं सभी का स्वागत करता हूँ, मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ, वो भी हमारे साथ शरीक हुए हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ की व्यवस्था में जहाँ भी होती है वो साथ रहते हैं। ये पुलिस, प्रेस और पब्लिक तीनों के लिए आज सुखद दिन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं लोकल TV न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।